डिंडोरी में कलेक्टर विकास मिश्रा अचानक परिवहन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय से अधिकारी हीन अदालत मिले। वहीं जब मोटर मालिकों की लंबी कतार कलेक्टर ने देखी तो पता चला कि आरटीओ अधिकारी मनमाने ढंग से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने फोन पर आरटीओ अधिकारी आरएस चिकवा को जमकर फटकार लगाई। ढिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां दफ्तर से अधिकारी नदारद मिले और कलेक्टर को देखते ही दलाल फरार हो गए। इसी दौरान परिवहन कार्यालय परिसर में खड़े मोटर मालिकों से जब कलेक्टर ने बात की तो पता चला कि आरटीओ अधिकारी बिना राशि लिए फाइल पर हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं, जिसके चलते बसें 3 दिनों से लेकर हफ्तों तक खड़ी रहती हैं। बस के परमिट से लेकर एनओसी देने और दर्ज कराने के लिए बस और चार पहिया वाहन मालिकों को 15,000 से लेकर 25,000 रुपए की चढ़ोतरी देनी पड़ती है। कलेक्टर साहब आए थे, हमसे पूछे कलेक्टर साहब ने कि आपकी क्या समस्या है, तो हमने बोला कि हमने एनओसी बालाघाट से लेके आई है अपनी गाड़ी की और गाड़ी लाए हैं बालाघाट से। तो कलेक्टर साहब ने बोला क्यों नहीं हो रही आपकी एनओसी ऐड, तो मैंने बोला 15 से 25 हज़ार रुपये मांगते हैं यहाँ पे और गाड़ी में कहीं ये करवा के लाओ वो करवा के लाओ आरटीओ साहब बोलते हैं और ऐसा ताप बताते हैं जैसे गोली मार देंगे जी। कलेक्टर साहब से किए तो कलेक्टर साहब ने तत्काल फ़ोन करे और फिर इनको कुछ बोले हैं तो तुरंत आए हुए हैं ये। मेरी शिकायत ये है कि मेरी गाड़ी के आगे 5 मिनट आगे दोनों साइड से मेरी गाड़ी चलती है अमरकंटक से समनापुर, जिसके 5 मिनट आगे इनने परमिट जारी कर दिया है डिंडोरी आरटीओ द्वारा। आपत्ति लगाया मैंने, सब किया, उसके बावजूद भी परमिट जारी कर दिया है, डिमांड की जाती पैसों की। यही नहीं, मोटर मालिकों का यह भी आरोप है कि बड़े बस मालिकों के दबाव में छोटे बस मालिकों को ना तो परमिट मिलती है और ना ही सड़कों पर बसें दौड़ने की अनुमति। फोन पर ही आपत्ति दर्ज करवाकर छोटे मोटर मालिकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके बाद कलेक्टर ने आरटीओ अधिकारी को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि शाम 5 बजे कार्यालय पहुंचकर मोटर मालिकों की लंबित फाइलों को पूर्ण करने के आदेश भी दिए। मेरे लड़के की नाम पे गाड़ी है, चंदेल ट्रेवल्स के नाम से चल रही है, वो गाड़ी मैं बेच दिया हूँ। उस गाड़ी के नाम ट्रांसफर के लिए मैं कब से आवेदन कर रहा हूँ, यहाँ आया के परेशान हूँ, 3 महीने से परेशान हूँ। 30,000 रुपये मांग रहे हैं आरटीओ साहब, कह रहे 30,000 रुपये दीजिए तब नाम ट्रांसफर होगा, नहीं करता नाम ट्रांसफर, मैं 3 महीने से परेशान हुआ है। वही जिला परिवहन अधिकारी आरएस चिकवा ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि कलेक्टर ढिंडोरी का उन्हें फोन आया था और जो भी समस्याएं मोटर मालिकों की हैं उनसे दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बातों बातों में यह भी माना कि दलालों के कारण उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा करीब 5 मिनट मेरे से श्रीमान जी से बात हुई, जो आरोप थे सामने जो मुझे बताया कमियां, कि एक फौजी खड़ा, फौजी भैया को बुलाओ अभी, मैंने पूछा हमारे ऊपर कोई आरोप, ऐसा तो कोई आरोप नहीं कि हाँ ये आपके नाम पे कोई अवैध वसूली कर रहे हैं, इनको ठीक किया जाए। एजेंट बंधुओं का बता रहे थे जो भी हैं तो उनको बाहर किया जाए। नहीं, मेरे यहाँ कोई ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। कहाँ तो उसका पालन करेंगे हम, हमारे पास जब समस्या आज आई है तो बिल्कुल निराकरण करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।